हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी टेस्ट कॉर्नर सीरीज है। इसके अंदर आपको एवरी वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20+ क्वेश्चन ही मिलेंगे। आपको 5 से 7 वीडियोज प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। फ्रेंड्स, आप लोग पूरी वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसकी पीडीएफ के लिए मुझे कह सकते हैं कि सर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराइए। पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और मैं चारों ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा और उनका आंसर बताऊंगा। इससे क्या टाइम सेविंग होगा और जल्दी से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो पाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ न्यूटन्स कलर डिस्क एक्सपेरिमेंट। जो न्यूटन का कलर डिस्क एक्सपेरिमेंट था उसके लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल थी? परसिस्टेंस ऑफ विजन। याद रख लीजिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज है, तो काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, द डायमेंशंस MLT-2 कॉरस्पॉन्ड्स टू। तो ये आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, इनवर्स स्केयर है ये। द डायमेंशंस MLT इनवर्स स्केयर कॉरस्पॉन्ड्स टू, तो ये किसका फॉर्मूला है बताइए, अगर किसी को पता है तो। राइट आंसर है फोर्स। हु इज द फाउंडर ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो फाउंडर ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के फाउंडर कौन है? चलिए देख लीजिए, वो है प्लैंक। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज्ड इन कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो फाइबर ऑप्टिक्स की केबल्स होती है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करती हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए आप लोग। द आउटर स्किन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस आर मेड अप ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट, दिस कार्बोहाइड्रेट इज। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये दिस इज चिटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड द प्रेजेंस ऑफ। चार ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, राइट आंसर देख लीजिए, न्यूक्लियस इन एटम्स। तो इसके अंदर साइंस के क्वेश्चन भी हैं और कंप्यूटर के भी मिक्स क्वेश्चन है ये। व्हेन ए मेटल इज हीटेड इन ए फ्लेम द इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब एनर्जी एंड जंप टू हायर एनर्जी स्टेट, ऑन कमिंग बैक टू द लोअर एनर्जी स्टेट दे एमिट लाइट विच वी कैन ऑब्जर्व इन। तो जो लाइट होती है वो कैसे ऑब्जर्व होती है? दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रा। द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वॉज पोस्टुलेटेड बाय, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? दैट इज जोसेफ फ्यूरियर। भोपाल गैस ट्रेजडी, पहली बात तो ये याद रखिए कि 1984 के अंदर हुई थी। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि भोपाल गैस ट्रेजडी कब हुई थी, तो 1984 में, क्योंकि याद रख लीजिए 1984 में दंगे भी हुए थे। इज रिलेटेड टू, तो वो किस चीज से रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो रिलेटेड है मिथाइल आइसोसिटेन से। बहुत ही जहरीली गैस है ये मिथाइल आइसोसिटेन, इसके रिसने से बहुत ज्यादा मौतें हुई थी। नेक्स्ट, द पार्टिकुलेट मैटर PM10 एक्सहेल्ड फ्रॉम द पॉल्यूटेड एटमोसफेयर इज ऑफन फिल्टर्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। तो ये जो PM10 अंदर चले जाते हैं सांस में, ये बाहर कैसे निकलते हैं, किस प्रोसेस से ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं? तो ये कफिंग से और स्नीजिंग से ये बाहर आ जाते हैं। ए एंड बी दोनों इसका राइट आंसर है। अगर एक दिया हो तो आप फिर एक ही लगा के आएंगे दोनों में से, तो ये इसका रॉन्ग है। द पॉल्यूटेंट्स विच मूव डाउनवर्ड विद परकोलेटिंग ग्राउंड वाटर आर कॉल्ड, तो वो कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं? दे आर लीचेंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एंडोसुल्फान स्प्रे ऑन कैशो क्रॉप रिजल्टेड इन द पॉल्यूशन टू द ट्यून ऑफ ट्रेजडी इन, तो कहां पर हुई थी ये? कर्नाटका के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेमिक स्पीसीज, तो कौन से है जो प्रजाति खत्म होने वाली है? दैट इज निकोबार पिजन। एक्सपेंड द टर्म IPCC, IPCC की फुल फॉर्म क्या है? चलिए किसी को पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड एट द मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, तो वो कौन सा कंप्यूटर था पहला? दैट इज ENIAC। चलिए ENIAC की फुल फॉर्म नीचे कमेंट कीजिए, एग्जाम में ये डायरेक्ट फुल फॉर्म आ सकती है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स इज द मोस्ट वाइडली यूज बाय द इंटरनेट, तो इंटरनेट के द्वारा कौन से सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल है? दैट इज TCP या फिर IP। तो IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोबारा से याद रख लीजिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए
HTT की फुल फॉर्म नीचे कमेंट जरूर कीजिए, ये एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है HTTP की। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू, किस लिए यूज की जाती हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स? दे आर यूज्ड टू रिसीव रीडायरेक्ट कम्युनिकेशन सिग्नल, रिसीव रीडायरेक्ट कम्युनिकेशन सिग्नल, तो ये दोनों काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो कौन सा है इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें से? दैट इज डेसी व्हील प्रिंटर, दिस इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। वट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकोगनाइज बाय डिजिटल सर्किट्स, तो डिजिटल सर्किट्स के द्वारा कौन सी इंफॉर्मेशन रिकोगनाइज की जाती है? दैट इज हेक्साडेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम, दोनों ही है, बोथ बी एंड बोथ आई गेस का आंसर बोथ बी एंड सी। वट इज द नेम ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच देर आर बाई डायरेक्शनल लिंक्स बिटवीन ईच पॉसिबल नोड, वो कौन सा है? राइट आंसर इज मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट, लैन स्टैंड्स फॉर, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। LAN स्टैंड्स फॉर, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी आपको सही लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर 21 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए कि सर हमें इसकी PDF चाहिए। आपको जो PDF टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई चेंजेस आते हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ।